हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो चलिए एक नए वीडियो शुरू करते हैं। नए वीडियो क्या है देखेंगे आज के वीडियो में। तो आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि क्या है टॉपिक आज का, क्या संसार में नरभक्षी लोग अब भी है, और अगर है तो वो कहाँ कहाँ है, कितना है, और नरभक्षी क्या खाता है, और नरभक्षी क्या है और उसकी क्या मान्यता थी, देखेंगे आज की क्लास में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कहता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है, जैसे बड़ी मकड़ी, जैसे बड़ी कीड़ा मकोड़ा छोटे कीड़े मकोड़े को खाता है, उसी तरह एक आदमी दूसरे आदमी को खाता है, एक मनुष्य दूसरे आदमी मनुष्य को खाता है। इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है क्या आपको? इस बात पर विश्वास हो रहा है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खाता है? हम भी सुने तो हमको विश्वास नहीं रहता, लेकिन ये सत्य है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खाता था। अब खाता है कि नहीं खाता है उसका अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन पहले खाता था। सत्य है कि इस संसार में आज भी कुछ जातियां ऐसी है जो आदमी को खाती है। प्राचीन काल में बहुत ऐसे कबीले थे जो आदमी का मांस खाता था। वो आदमी का मांस इसलिए नहीं खाता था कि उसको मांस अच्छा लगता था। अब किसी को मांस अच्छा लगता है इसीलिए खाता है, लेकिन नहीं, उसको मांस अच्छा नहीं लगता था आदमी खाने का, लेकिन तब भी क्या खाता था, उसका क्या कारण था, तो देखेंगे। बल्कि उन लोगों को कुछ रीति रिवाजों के अनुसार आदमी का मांस खाना पवित्र समझा जाता था। पहले के जमाने में था कि कुछ रीति रिवाज था कि उस रीति रिवाज के अनुसार आदमी का मांस खाना पवित्र समझा जाता था, और उसका एक मानसिक स्थिति भी था। क्या था मानसिक स्थिति? कि आदमी जो कुछ खाता है वैसे ही बन जाता है। जैसे अगर अगर उस शेर का मांस खाएगा तो वो बलवान हो जाएगा, उसी तरह अगर बहादुर मनुष्य का मांस खाएगा तो वो बहादुर मनुष्य बन जाएगा, उस सबका मान्यता था, इसी कारण से मांस खाता था। और कुछ मान्यता था, कुछ जातियों का धर्म उन्हें नरभक्षी बनने का अनुमति देता था। तो वो पहले जमाने का एक मान्यता था कि जो व्यक्ति बुरा काम किया उसी को बलि देंगे तब ही भगवान खुश होगा, क्योंकि वो बुरा काम किया उसी का बलि देने से भगवान खुश होगा। इस कारण से भी वो क्या करते थे, मांस खाते थे, प्रसाद के रूप में खाते थे। और अब ये कितना है ना है देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों महाद्वीपों कुछ कबीलों पर आज भी नरभक्षी लोग पाए जाते हैं। कुछ लोगों को विश्वास है कि न्यू गिनी में कुछ नरभक्षी आदमी जीवित है। जमाने में कितना नरभक्षी जाति है इसका कोई ठीक प्रमाण नहीं है, लेकिन प्राचीन काल की तुलना में बहुत ही कम जातियां नरभक्षी लोगों की है। लेकिन पहले जितना नरभक्षी लोग थे अब उतना नहीं होगा, अब हो भी नहीं सकता। अब लोग हम बात में नहीं सुनते हैं, होगा कहीं एक दो आत होगा तो होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को शेयर करें, हर तक पहुंचा दीजिए कि उसको भी पता चले कि नरभक्षी क्या है, नरभक्षी लोग पहले रहते थे कि न रहते थे। हमारे इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज था जो आप लोगों के लिए लाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, जय हिंद।